भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस पर एक मेगा सेमिनार का आयोजन होटल रेडिसन ब्लू पश्चिम विहार नई दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीनियर नवल ऑफिसर कमांडर सुनील शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। परिवार से राष्ट्र विषय पर आयोजित इस सेमिनार में हार्ट केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल, प्रसिद्ध योग गुरु एवं लाइफ कोच डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी, लाइफ कोच दिनेश कुमार, बिजनेस कोच सीए राकेश शर्मा व मोटिवेशनल स्पीकर एवं ट्रेनर प्रवीण नारंग ने उपस्थित जनसमूह को हेल्थ वेल्थ व हैप्पीनेस के टिप्स दिए। तो कार्यक्रम को विधिवत शुरू करने से पहले इस आयोजन को करने के लिए पूरी मेहनत की जो पूरी टीम ने, मैं अपनी पूरी टीम को भिवानी परिवार मैत्री संघ की पूरी कार्यकारिणी टीम को बुलाना चाहूंगा, मंच के समीप आ जाएं। विनय सिंगल जी हैं, एक लाइब्रेरी आजकल हमने एमसीडी से गोद ले ली है, बहुत बढ़िया चला रहे हैं हम उसको। उसमें एक वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र भी चलता है, पूरा समय लगा के उस लाइब्रेरी की चिंता करते हैं। 100 से ज़्यादा बच्चे आके उसमें पढ़ते हैं, उसको पूरा एयर कंडीशन बना दिया है और आपको सुन के अच्छा लगेगा, ये दिल्ली की पहली लाइब्रेरी है भिवानी परिवार द्वारा संचालित जो पूरी तरह से एयर कंडीशन है। विनय सिंगल ने ये काम किया है और बहुत सक्रियता से संस्था के साथ जुड़े रहते हैं, और इनका पैकिंग बैग्स का काम है। और उसके बाद पंकज जी हैं, फायर फाइटिंग एंड टाइल्स के लिए जाने जाते हैं, मधु परिवार से संबंध रखते हैं, माधुरी प्रसाद मधु जी के पुत्र हैं और भिवानी परिवार का बस पिलर वाला काम ये करते हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत पंकज भाई खड़े मिलते हैं। प्रतिभा विकास बैंक के नाम से इन्होंने काम शुरू किया है, एक बच्ची पावर लिफ्टिंग के अंदर जूझ रही थी कुछ फाइनेंस से, पंकज जी ने मदद की और वो वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आई, भिवानी की बेटी है। और पंकज जी ऐसे काम करते रहते। प्रमोद जी हमारे आईटी के हेड हैं, आज आपको एक फोरम दिया है, एक बिजनेस पोर्टल हम लोग बना रहे हैं, आपको जो बिजनेस जो सामान चाहिए आप डालिए पोर्टल पे, भिवानी के जो लोग उसको बेच रहे होंगे आपके सामने आ जाएंगे। किसी खास एरिया में जैसे सदर बाजार में आपको चाहिए कि सदर बाजार में भिवानी वालों के कितनी दुकानें हैं, आप सदर बाजार लिखेंगे सामने एड्रेस आ जाएंगे। ऐसा एक जोरदार पोर्टल प्रमोद शर्मा जी बना रहे हैं, आईटी के हेड हैं, सी डॉट कंपनी में इंजीनियर हैं, विदेशों में जाके लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। प्रमोद शर्मा जी के लिए तालियां बजा सकते। ये पवन मोड़ा जी हैं, पवन मोड़ा जी हमारे भिवानी परिवार के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और इस समय आपकी जो मेडिकल, अभी आज बहुत सारी अनाउंसमेंट सुरेश गुप्ता जी के साथ मिलकर इन्होंने कोऑर्डिनेट किया है, अभी मैं पर्चा लीक नहीं कर रहा क्या क्या अनाउंसमेंट होने वाली है, लेकिन मेडिकल का सारा काम पवन मोड़ा जी देख रहे हैं। एक सप्ताह से लगातार हॉस्पिटल से सुरेश जी के माध्यम से जाके संपर्क किया है पवन मोड़ा जी ने, और विनय सिंगल जी का भी साथ देते हैं लाइब्रेरी के काम में। पवन जी का स्वागत है। ये हमारे सेनापति हैं, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये डॉन है भिवानी परिवार मैत्री संघ के, और इनका नाम है दिनेश गुप्ता जी, केमिकल का काम है रिंग रोड मॉल में। और हाँ, एक बार तालियां जोर से बनती है दिनेश भाई के लिए। स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, पाँव में बहुत तकलीफ है, लेकिन तब भी खड़े रहते हैं 24/7 भिवानी परिवार के लिए दिनेश गुप्ता जी अवेलेबल रहते हैं। हमारे महासचिव का दायित्व आपके कंधों पर है। इसके बाद हमारे श्री अरविंद जी हैं, टेक्सटाइल पार्ट्स का काम करते हैं और भिवानी परिवार के वाइस प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं, और संस्था को आगे बढ़ाने में इस समय जो DDA से प्लॉट का बात चल रही है उसको बहुत आगे तक बढ़ा दिया है। हो सकता है अगले कार्यक्रम में अरविंद जी ये अनाउंस कर दें कि फलाना प्लॉट आपका हो गया है, उसकी लगभग तैयारी चल रही है, अलॉटमेंट प्लॉट का होने वाला है। बस हो सकता है अगली बार मुझे पैसा मांगना पड़े आपसे, मांगीराम तो मुझे आप कहने लग गए हो, तो अगली बार ये कहूँ कि चेक लेके साथ में है ना, ये भी कह सकता हूँ, उसकी तैयारी रखिएगा आप लोग। और इसके बाद ये हंसराज रलहन है, ये मीडिया का जबरदस्त व्यक्तित्व है, 5 करोड़ लोग सोनोटेक वीडियो को डेली देखते हैं, 5 करोड़ लोग डेली देखते हैं। इनका मैंने इंटरव्यू लिया भिवानी के लोग कार्यक्रम में, इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर डाला, पहले दिन 30,000 लोगों ने इस इंटरव्यू को देखा। ऐसा एक बड़ा नाम होता है श्री हंसराज रलहन का, ऐसा कोई कलाकार नहीं हरियाणा का जो इनके पाँव न छूता हो, ऐसा बड़ा नाम है हंसराज रलहन जी का। इसके बाद ये गोविंद राम जी हैं, भिवानी के जगत फूफा हैं, ये जगत चाचा सुने होंगे, जगत ताऊ सुने होंगे, आधे भिवानी वालों के फूफा लगते हैं। आपके साडू हैं गोविंद राम जी, विवेकानंदपुरी में रहते हैं, वहाँ के अग्रवाल समाज के प्रधान हैं और भिवानी परिवार मैत्री संघ के किसी भी काम के लिए, अभी केरला के अंदर जो हम लोगों ने
पैकेट भेजे बना के, आपको सुन के अच्छा लगेगा, केरला के अंदर जो हमने पैकेट भेजे हैं, भारत सरकार ने यह कहा सर्वाधिक सिस्टमेटिक काम अगर किसी संस्था का था तो भिवानी परिवार मैत्री संघ का था। पूरा पैकेट बनाना, उसके ऊपर सामान क्या क्या डालना, और एक परिवार में वो पैकेट चला गया तो ये मान के चलिए वो परिवार 15 दिन के लिए उसको बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर कपड़े से लेके राशन से लेके जरूरी जो भी सामान परिवार के लिए चाहिए उसको इमरजेंसी के लिए, वो सारा सामान डालने का काम हमारी पूरी टीम ने किया। इनके लिए भी तालियां, श्री गोविंद राम जी। ये हमारे प्रचार मंत्री हैं श्री नवीन जयहिंद, आप देखते हैं इनको, ये अभी 3 बार तो जाके लाल चौक पर झंडा लहरा चुके हैं, गांव बापोड़ा के हैं, हमारे प्रचार मंत्री का दायित्व इनके कंधों पर है, हमेशा किसी भी काम के लिए इनको आप फोन कर सकते हैं। ये मनीष जी हैं, मनीष गोयल शालीमार बाग में रहते हैं, और मनीष गोयल जी मतलब न्यूज़ लेटर निकालने से लेके कोई भी काम आप कभी भी कहिए मनीष जी को, लाइब्रेरी के काम के अंदर आपकी, इस समय पर्यटन समिति का काम देख रहे हैं और इस बार विदेश घुमा के लाने की तैयारी कर रहे हैं मनीष जी, कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के लोग विदेश चले थाईलैंड को छोड़कर। तालियां बजाइए मनीष जी के लिए। अरे मेरा परिचय हो जाएगा, मेरे मैं क्या परिचय दूं इनको। इसके बाद ये सुशील गनोत्रा है, अध्यापक हैं, सुशील गनोत्रा जी भिवानी परिवार मैत्री संघ का, मेरी ख्याल से पैकेट बनाने के 3 दिन के लिए वही बंद रहे आप कमरे में, 3 दिन तक पैकेट पैक करने में लगे रहे सुशील गनोत्रा जी, हमेशा कभी भी काम कोई बताइए सुशील जी को, हमेशा तैयार रहते हैं, आज भी पूरा काम रजिस्ट्रेशन का संभाल रहे हैं। तालियां बजाइए सुशील जी के लिए। ये हमारे प्रकाश बासिया जी हैं, मैट्रिमोनियल सर्विस देखते हैं और न्यूज़ लेटर का काम देखते हैं, भारत सरकार से सेवानिवृत्त हैं, तालियां बजा दीजिए इनके लिए। प्रकाश जी बिल्कुल। और इसके बाद ये सांवरमल गोयल जी हैं, सांवरमल गोयल जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, खजाना मंत्री हैं, ये 5-स्टार होटल में जो आज कार्यक्रम हो रहा है ये इनकी वजह से हो रहा है, कि उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा सोचो, क्या ये धर्मशालाओं में कार्यक्रम करते रहते हो, कुछ आगे बड़ा सोचो, तो भगवान ऐसा खजाना मंत्री सबको दे। और ये कह रहे हैं अगला कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में करना चाहिए, हम लोगों को बड़े बड़े सपने लेते रहते हैं हमारे श्री सांवरमल गोयल जी। अपना घर आश्रम सेवा का बहुत बड़ा काम कर रहा है, उसके भी जनरल सेक्रेटरी हैं, और आपको सुन के अच्छा लगेगा भिवानी में भी अपना घर आश्रम खोल दिया है आदरणीय सांवरमल गोयल जी ने, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। और इनका बिजनेस स्टाल भी आज बाहर लगा हुआ है, ये नथुराम जैन साहब हैं, अंग दान के लिए देह दान के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, और अपने यहाँ एक देह दान हुआ था, आपको पता होगा हमारे आनंद स्वरूप दिनोदिया जी ने देह दान किया था, वो आपकी प्रेरणा थी, और मेरे ख्याल से 25 फार्म भर चुके हैं भिवानी परिवार से भी, बहुत भर चुके हैं भिवानी परिवार के, बहुत लोगों ने देह दान किया है कि मेरा अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए और मेडिकल कॉलेज को मेरी बॉडी को डोनेट कर देना चाहिए, ऐसा एक बड़ा काम श्री नथुराम जैन साहब करते हैं, इनके लिए भी तालियां बजाइए। एक बार पुनः आज के इस मेगा इवेंट में आपका स्वागत है, जैसा कि नाम से स्वतः स्पष्ट है कि आज जो कार्यक्रम है हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, तो कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य का जो आरंभ है वो दीप प्रज्वलन से होना चाहिए ताकि माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। इसके बाद चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री राजकुमार मित्तल साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। भिवानी में एकमात्र विश्वविद्यालय है, उसका संचालन बहुत बखूबी कर रहे हैं राजकुमार जी, मेरा उनका परिचय बहुत पुराना है। कल मैंने बात की, मैंने कहा मुझे माफ़ करना, मैंने कार्ड में आपका नाम नहीं लिखा, वो उतने शहर दें, बोले मैं जिस शहर में बैठा हूँ उस शहर के लोग अगर दिल्ली में हैं और मुझे बुला रहे हैं तो मुझे आना चाहिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं राजकुमार जी मित्तल का अभिनंदन करता हूँ, आप कभी भिवानी जाएं तो उनका साथ जरूर मिलके आइएगा, और हम अपने यूनिवर्सिटी को भिवानी के जाके क्या सपोर्ट कर सकते हैं। नया विश्वविद्यालय बना है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर हैं श्री राजकुमार जी। श्री सुरेश गुप्ता जी हमारे इंसाइक्लोपीडिया हैं, और भिवानी परिवार मैत्री संघ में 24/7 कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम कभी भी किसी परिवार में होती है तो सुरेश जी हाजिर रहते हैं, सुरेश जी का अभिनंदन करता हूँ। और एक छोटे कद का बड़े व्यक्तित्व से आपको मिलाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। भिवानी में एक नाम हम लोगों ने बहुत बार सुना, वो भिवानी में सेवा के इंसाइक्लोपीडिया हुआ करते थे, मेरे तो वो मेंटोर थे, उनका नाम था आदरणीय सूरज भान बगड़िया, कितने लोगों ने नाम सुना, वाह सबने सुना। तो उनके पुत्र यहाँ पर हैं,
श्री कपिल बगड़िया, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, तालियां बजाइएगा। कपिल बगड़िया जी, एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा जिसकी दीवार को हाथ लगाना भी बहुत मुश्किल है, उसका नाम है ई एंड वाई, सुना आप लोगों ने? बहुत सारे बच्चे मेरे पास फोन आते हैं, राजेश भैया मेरे बच्चे की आर्टिकलशिप ई एंड वाई में करवा दीजिए, भारत का एक बड़ा ब्रांड है ई एंड वाई, उस कंपनी के CFO हैं आप। आप समझ सकते हैं किस लेवल का व्यक्तित्व है श्री कपिल बगड़िया का। मैंने कपिल जी को कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, और मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। मैंने किसी को कहा कि कपिल बगड़िया हमारे भिवानी के हैं और ई एंड वाई के CFO हैं, कहते आप उनको जानते हो, मगर आपको झटका कैसे लगा? जानते क्यों नहीं, हमारे परिवार के हैं, हमारे परिवार का बालक है। जब मैंने बालक बोला तो बोले आप कैसे बोल रहे हो, मैंने कहा रियली हमारे परिवार के बालक है वो। और मैं जब गया उनसे मिलने के लिए तो उनके भीतर वो जो संस्कार परिवार के हैं ऐसे कैसे हैं, कोई नशा नहीं है किसी प्रकार का भी, तो ऐसा एक बड़ा व्यक्तित्व है श्री कपिल बगड़िया का, इनके लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए। तो स्वागत की श्रृंखला में कमांडर सुनील शर्मा जी, जैसा कि राजेश जी ने बताया कि आप वाइस चांसलर हैं, भिवानी में एकमात्र विश्वविद्यालय है, राजकुमार मित्तल जी, तो सुरेश गुप्ता जी के स्वागत के लिए पवन मोडा जी और गोविंद राम बंसल जी, श्री कपिल बगड़िया जी, उनके लिए मैं बुलाना चाहूंगा राजेश चेतन जी और दिनेश गुप्ता जी को। अग्रवाल मूव एंड पैकर इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, आप जहां किसी भी हाईवे से जाएं, किसी भी शहर में जाएं, तो APML के जो कार्गो वाले ट्रक हैं वो आपको अक्सर दिख जाएंगे, और पैकिंग में मास्टरी है, और हिंदुस्तान में सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले APML ही हैं। तो APML की पूरी टीम, आपका स्वागत है सर, अजय गोयल जी का रूप लक्ष्मी साड़ी जी, सो विनय सिंगल जी और नवीन जयहिंद जी, मिसेज लता मोडा जी, संजय भैया जिंदाबाद। स्वागत के बाद हम चलते हैं आज के सेमिनार की तरफ, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, परिवार से राष्ट्र। कहते हैं अगर आपका हेल्थ ठीक रहेगा तो आप वेल्थ भी अच्छे तरीके से कमा सकेंगे, और वेल्थ कमाने के लिए बहुत सारी बिजनेस टिप्स भी हैं। बिजनेस टिप्स ये है कि आपको एक अच्छा मार्केटिंग भी आनी चाहिए, आपको सोशल मीडिया का एक अच्छा उपयोग करना भी आना चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस को सफल रूप से स्थापित कर सकें और उसको इंटरनेशनली फैला सकें। इसके लिए आपको सक्रिय होना बहुत जरूरी है। जन्मभूमि को ही अपनी कर्म भूमि बनाते हुए बचपन से ही योगाभ्यास शुरू किया और उसे अपने तरीके से शुरू करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 12 वर्ष की उम्र में ही, मैं जिनकी चर्चा कर रहा हूँ डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी जी की, कि 12 वर्ष की अवस्था में ही आपको योग कुमार का अवार्ड दिया गया था। 12 वर्ष की उम्र में आपने योग की साधना की, अपने खुद के सूत्र बनाए, और देश के पहले जो PhD हैं योग में आप स्वयं हैं। अनेकों योग गुरु हैं, लेकिन जो पहले विधिवत MSc PhD हैं वो डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी जी हैं। देश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख छपते हैं, अनेक चैनलों पे आपके योग के बारे में टिप्स आते रहते हैं, आप पूरे कर्म योगी हैं, देश विदेश में आपने ट्रेवल किया है, और आपकी अब तक 5 किताबें आ चुकी हैं। आपको लगभग योग के क्षेत्र में 40 वर्ष का लंबा अनुभव है। आपकी आप इनकी उम्र पे मत जाइएगा, क्योंकि मैंने कहा 40 वर्ष का अनुभव है, उम्र के हिसाब से आप लगता है कि भी दिखने में कम उम्र के लगते हैं, 40 के ही हैं, और उतना ही इनका लंबा अनुभव है। और अपनी आपने खुद की अपनी योग क्रिया की हैं, आपने अनेक कॉरपोरेट वर्ल्ड जिसमें CA भी हैं, लॉयर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, IT भी है, सबको प्रशिक्षित किया है। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे पहले स्पीकर आचार्य डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी जी का। कमर सीधी करके आराम से बैठे और चेहरे पर मुस्कुराहट आपकी। सुबह से अब शुरू हो चुका है सेशन और शाम तक रहनी चाहिए, ये एक पक्का करो कि आज का दिन मुस्कुराहट का दिन है।
बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई राजेश जी का जो समय समय पर आमंत्रित करते हैं। आज का जो विषय है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, यदि तीन चीजें जीवन में आ गई तो समझो कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, यथार्थ हो गया। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, सबसे पहला सुख निरोगी का आया है। और यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम धन कमा सकते हैं, और यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो धन कमाना भी बड़ा मुश्किल होगा। यहां हैप्पीनेस इसलिए जोड़ा है कि यदि आप खुश हैं तो शरीर भी स्वस्थ होगा और धन भी कमा सकते हैं। यदि खुशी नहीं है तो शरीर का स्वास्थ्य भी बेहतर नहीं हो सकता। तो सबसे मुख्य जीवन में होना चाहिए प्रसन्नता, हैप्पीनेस। यदि आप खुश हैं, क्योंकि आपका मन और आपका तन दो अलग अलग चीजें नहीं है, तन और मन जुड़ा हुआ है। शरीर का सबसे सूक्ष्म भाग मन होता है और मन का सबसे स्थूल भाग शरीर होता है। यदि शरीर बीमार होने लगता है तो उसका असर मन पर चला जाता है, और यदि मन दुखी होने लगता है तो उसका असर शरीर पर आने लगता है। शरीर और मन जुड़े हुए हैं। यदि तन को स्वस्थ करना हो तो मन को स्वस्थ और खुश करना शुरू कर दीजिए। इसलिए हैप्पीनेस हमारे जीवन का आधार है। गीता में भगवान बोलते हैं कि यदि दुखों से अपने आप को दूर करना हो तो प्रसन्नता को बढ़ा दीजिए। जितनी प्रसन्नता जीवन में बढ़ती जाएगी, दुख अपने आप घटते चले जाएंगे। लेकिन हम प्रसन्नता को, अपनी खुशी को सबसे लास्ट में तवज्जो देते हैं। सोचते हैं कि कल कुछ ऐसा घटेगा तो खुश होंगे, अभी तो धन उतना नहीं है जितना सोचा था, उतना हो जाएगा तो खुश होंगे, व्यापार थोड़ा बढ़ जाएगा तो खुश होंगे। कुछ ना कुछ हमारे मन में चलता रहता है और कहते हैं कि ये होगा तो खुश होंगे, अर्थात हमने अपनी खुशी को किसी बाहर की चीज पर डाल दिया है। हमारी खुशी हमारे अंग संग हमेशा वैसे ही साथ होनी चाहिए जैसी श्वास आपके लगातार साथ बहती है। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव सुबह से आप बनाए रखें। जो भी काम कर रहे हैं, भले ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, ऑफिस में हो, कुछ भी आप कर रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। और जब ट्रैफिक में ज्यादा फंस रहे हो तो मुस्कुराहट थोड़ी और बढ़ा लेना। जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत चल रही हो तब मुस्कुराहट थोड़ी और बढ़ा लेना। अर्थात उस समय प्रैक्टिस करने का समय आ गया कि अपनी मुस्कुराहट को ताकत देनी है, बल देना है, मजबूती देनी है, क्योंकि यही मुस्कुराहट है जो व्यक्तित्व का निर्माण करने का आधार है। चरित्र का निर्माण करना हो तो प्रसन्नता के भाव को बढ़ा लीजिए। व्यापार को बढ़ाना हो तो प्रसन्नता के भाव को बढ़ा लीजिए। संबंधों को मधुर करना हो तो प्रसन्न हो जाइए। स्वास्थ्य बढ़ाना हो तो प्रसन्न हो जाइए। जीवन का ऐसा कोई पहलू पक्ष नहीं है जहां पर ये प्रसन्नता, ये हैप्पीनेस हमें आगे बढ़ाने में सहयोगी नहीं हो। हां, जीवन के हर पहलू में यदि मन में दुख है तो हर पहलू में हम नीचे आ सकते हैं। यदि तनाव है तो व्यापार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें कमी हो सकती है। यदि शरीर स्वस्थ है और तनाव है तो शरीर बीमार हो सकता है। इसलिए हमारे जीवन का रीढ़ की हड्डी, जैसे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है जिस पर शरीर चलता है, हमारी हैप्पीनेस होनी चाहिए। और यहां ये टॉपिक इसलिए है कि भिवानी परिवार मुस्कुराता हुआ होना चाहिए और सबको नाज होना चाहिए कि मुस्कुराहट हो तो भिवानी परिवार जैसी हो। कोई ना कोई एक, जैसे यहां ड्रेस कोड है ना, कुछ लोगों का ड्रेस कोड है जो संरक्षक मंडल में है, मुख्य मतलब ड्रेस कोड क्या कह रहा है कि ये भिवानी परिवार जो
संगठन है उसके कार्यकर्ता हैं। हम कह रहे हैं आप सबका ड्रेस कोड होना चाहिए मुस्कुराहट, और जो लगातार बरसनी चाहिए, परिस्थिति कोई भी हो लेकिन हैप्पीनेस आपसे आपकी कोई छीन ना सके, इतना अधिकार अपनी खुशी पर कर लो। हमने अपनी खुशी को, उसकी डोर को दूसरों के हाथों में दिया हुआ है। जब कोई डोर थोड़ी सी खींच लेता है, हमारी मुस्कुराहट कहीं खो जाती है। अपनी डोर को अपने हाथ में नहीं रखा। जो कुछ आपके विपरीत बोलता है, मतलब कोई भी आपको कुछ बोलकर आपकी खुशी को खत्म कर सकता है, इसका मतलब है कि अपनी डोर हमने किसी और के हाथ में दी है। आपकी डोर आपके हाथ में होनी चाहिए। और यह प्रसन्नता एक होता है मकान, एक होता है घर। घर को बनाने के लिए प्रसन्नता चाहिए। यदि घर में, परिवार के लोगों में प्रसन्नता नहीं तो वो मकान है, और यदि प्रसन्नता का वातावरण घर में है तो वो घर है। हमें यह पक्का करना है कि जहां मैं हूं, जहां भी मैं जाता हूं, उस माहौल में प्रसन्नता घुल जाए, जैसे नमक घुल जाता है पानी में। आपको देखकर, आपसे बात करके सामने वाला प्रसन्न होना चाहिए। भले आप ऑफिस में हो, घर में हो, समाज में हो, जहां आप हैं, आपकी उपस्थिति, जैसे जहां फूल होता है, फूल की उपस्थिति कुछ खुशबू देती है, आपकी उपस्थिति भी कुछ नयापन देने वाली होनी चाहिए। इसलिए यहां पर यह टॉपिक हैप्पीनेस रखा गया है। अच्छा, मुस्कुराहट में कोई खर्चा भी नहीं होता, या होता है कुछ खर्चा? नहीं होता ना। ऐसा तो नहीं है कि शाम को हिसाब किताब देना होगा कि कितनी बार हंसे थे, लाओ इतने पैसे। ऐसा भी कुछ नहीं होता, तब भी हम नहीं हंसते। जब कुछ खर्चा नहीं है, भैया देखो, आप सब लोग तो व्यापारी लोग हो ना, फायदे का ही तो धंधा करते हो या नहीं, या घाटे का धंधा करते हो? फायदा किस में है? तनाव में रहने पर है, दुख में रहने पर है, या प्रसन्न रहने पर है? यदि आप फायदा देखो, हेल्थ का फायदा देखो, वेल्थ का फायदा देखो, संबंधों का फायदा देखो, हर स्तर में फायदा ही फायदा जिस काम से हो, वो धंधा तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें धंधा दिखता है जिसमें पैसा, पैसा दिखाई दे। पैसा वाला धंधा ठीक है, लेकिन ये धंधा यदि आपका बढ़ गया तो आप देखना उस धंधे में चार चांद अपने आप लगने लगेंगे। इस प्रसन्नता को पकड़ लीजिए, शरीर का स्वास्थ्य तो झकमार के आपके पास आ जाएगा। हम स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए कुछ करने लगते हैं लेकिन प्रसन्नता को पकड़ते नहीं है। आपका चेहरा हर समय ऐसे मुस्कुराना चाहिए जैसे बस सेल्फी खींची रही है, फोटो खींच ही रहा है। जब हर समय यदि आपका फोटो खींच रहा हो तो आप हर समय मुस्कुराएंगे या नहीं मुस्कुराएंगे? कहीं फोटो शूट हो रहा हो, शादी में हो, और लगातार फोटो खींच रहे हो, तो आपका मुस्कुराहट वाला चेहरा रहेगा या नहीं रहेगा? झूठी ही सही, मुस्कुराहट तो आपकी रहेगी ना। वैसे भी परमात्मा तो हर समय फोटो खींच ही रहा है। चित्रगुप्त गुप्त तरीके से चित्र तो खींच ही रहा है, इसलिए तो उसका नाम चित्रगुप्त है। अंदर सीसीटीवी कैमरा तो आपके फिट ही है। आपके सारे कर्म, चाहे वो शरीर से हो या मन से हो या भावनाओं से हो, किसी भी स्तर के कर्म जो आप करते हैं, सबका फोटो खींच जाता है। इसलिए प्रसन्नता यदि आपके व्यवहार में, आपके कर्मों में है, तो कर्मों के फल नहीं होते, वो निष्काम की तरह हम आगे बढ़ जाते हैं। और जब आप प्रसन्न हैं तो आप देखना, कभी भी आप प्रसन्नता के साथ जब घर में बातचीत कर रहे हैं तो टॉपिक कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो सरल हो सकता है। आप लाइट अपने आप को पेश कर दीजिएगा, माहौल को लाइट कर दीजिएगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर आने लगेगा। मैं तो बार बार कहता हूं कि आप जहां जहां रहते हो दिन भर लिख के रखो अपने हाथ से पर्ची से, मुस्कुराइए आप बाथरूम में, हर बाथरूम में चिपका दो पर्ची को, और मन को कह दो जब जब इस पर्ची को देखूंगा मुस्कुराऊंगा,
मुस्कुराइए आप ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम में चिपका दो, मुस्कुराइए आप कार में और कार में चिपका दो, मुस्कुराइए आप ऑफिस में, जहां जहां दिन में आप रहते हो मुस्कुराहट की पर्ची को चिपकाते चले जाओ और देखते हुए उसको मुस्कुराते रहना। आपकी मुस्कुराहट आपके साथ हो सकती है यदि कोई याद दिलाए तो। हम भूल जाते हैं इसलिए याद नहीं रहती, और जब कोई याद दिलाता है तो मुस्कुरा पड़ते हैं। इस मुस्कुराहट को पकड़ लो, आपका व्यक्तित्व तो कुछ और होने लगेगा। मान लो आपने कहीं फोटो खिंचवाया और मुस्कुराहट चेहरा ना हो, आपका मुरझाया हुआ हो, और वो फोटो बाद में आप देखें और बाकी 5 लोग हैं सब मुस्कुरा रहे हैं और आप ही ऐसे खड़े हैं बोंदू से, आपको कैसा लगेगा? आपका अपना फोटो, आप सोचोगे थोड़ा सा मुस्कुरा ही लेते तो फोटो अच्छा आ जाता, नहीं लगेगा? मतलब जब आपको ही अपना फोटो बिना मुस्कुराहट के अच्छा नहीं लगता, तो आपका चेहरा जो दिन भर देख रहा है उसको अच्छा लगता होगा क्या? क्योंकि हम अपना चेहरा नहीं देख रहे हैं, इसलिए पता नहीं है कि मुस्कुराहट का प्रभाव क्या है और मायूसी चेहरे का असर क्या है। तो अपने चेहरे को मुस्कुराहट का इंजेक्शन दो, उसको डोज दो, और फिर देखना उसका प्रभाव आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपके व्यवहार में, आपके बौद्धिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, हर स्तर पर। जब छोंक लगा दिया हो, उस छोंक का प्रभाव कुछ और होता है। अपनी हेल्थ को ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य को ध्यान दो, क्योंकि ये शरीर ही है जो साथ रहने वाला है, हमेशा यही साथ देगा। अपने वाले एक समय को साथ मोड़ लेंगे, लेकिन ये शरीर यदि आपने पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रखा है तो ये साथ देने वाला है, और जितना इसको सजाओगे, संवारोगे, ध्यान दोगे, उतना ये लंबा चलने वाला है। वेदों में उद्घोष है कि 100 सालों तक उठते बैठते खाते पीते स्वस्थ रहते हुए हमारा शरीर होना चाहिए। ये तब होगा जब हम इसका ध्यान रखें। हम शरीर का तब ध्यान रखते हैं जब शरीर बीमार होने लगता है, उससे पहले तो पता ही नहीं है कि दांत भी है। दांत में दर्द हो तो पता लगता है दांत भी है, घुटने में दर्द आए तो पता लगता है घुटना भी है, नहीं तो पता ही नहीं है। हम ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं शरीर को जैसे वो है ही नहीं, कुछ भी किसी भी तरीके से प्रयोग कर लो, नतीजा होता है कि वो जल्द बीमार होने लगता है, जल्द बूढ़ा होने लगता है, जल्द बिखरने लगता है। जो शरीर बहुत लंबे समय तक साथ रहना चाहिए था स्वास्थ्य के साथ में, वो बीमारियों में उलझ जाते हैं। क्यों उलझते हैं? क्योंकि हमारी ही कुछ लापरवाही है। दोष किसी और का नहीं है यदि कोई बीमारी है तो, डायबिटीज हो या मोटापा या हार्ट डिजीज हो या कुछ भी हो, कॉन्स्टिपेशन से लेकर कुछ भी समस्या शरीर में है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो हमारी है। शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतर करना हो तो दिनचर्या को देखो कि कहां कहां क्या गलती हम कर रहे हैं। उठने बैठने का तरीका कैसा है, हमारा खान पान क्या है, हम कितना खाते हैं, क्या खाते हैं, कब खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, कब नहीं खाना है, क्या उस समय भी खा रहे हैं, व्यायाम हम कितना कर रहे हैं, शरीर को कितना हिला डुला रहे हैं, और जो व्यायाम दे रहे हैं क्या वो शरीर के लिए सही है, या हम व्यायाम तो कर रहे हैं लेकिन शरीर के लिए वो था ही नहीं ठीक, हमने कुछ गलत कर लिया। हमारी नींद की क्वालिटी कैसी है, वो बेहतर है या नहीं है? यदि नींद बेहतर नहीं तो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता, यदि आहार बेहतर नहीं तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता, यदि व्यायाम नहीं तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। इन 3 चीजों को हमेशा पकड़ के रखिए, स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर होने लगेगा। अपने आहार को ध्यान दिया करो, खान पीन को ध्यान दिया करो, या केवल ध्यान खाने भी रहता है? खाने पे रहे, लेकिन क्या खाना है, कब खाना है, किस तरह से खाना है, यह पता होना चाहिए। आप जब भी खाओ भूख से थोड़ा कम खाना, जब आप उठो तो भूख थोड़ी सी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भरपेट, जब मनपसंद भोजन हो तो थोड़ा सा भूख जरूर रहनी चाहिए जब खा के उठो तो,
उसी दिन क्या होता है, उसी दिन पेट ऐसे भर लेते हैं बस जैसे यहां तक, जगह ही नहीं है जी, डकार की भी जगह नहीं है जी। मतलब जो भर लिया पूरा, तो आप बताओ सिस्टम पर उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। ठस ठस आपने भर दिया है, शरीर फिट कैसे होगा? जीभ तो ठीक है, वो तो खा पी के चुपक के बैठ जाएगी, लेकिन शरीर का क्या होगा? भूख से थोड़ा कम यदि हम खाएंगे तो हमारी उम्र लंबी होगी, कम खाने से आयु लंबी होती है, ज्यादा खाने से आयु कम होती है। हमें लगता है कि ज्यादा खाने से हमें ताकत ज्यादा मिलेगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बीमारियां दूर होंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब ज्यादा खाते हैं तो शरीर की ऊर्जा उस खाने को पचाने में लगातार लगी रहती है और शरीर को बीमार कर देती है, इसलिए आलस्य पैदा होता है और आलस्य रोग पैदा करता है। इसलिए भूख से थोड़ा कम खाया करें और चबा चबा कर खाया करें, और जीभ को जो ज्यादा अच्छा लगे वो शरीर के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, जीभ को ज्यादा अच्छा क्या लगता है? मीठा और सब बताओ ना अपना अपना है? अच्छा, चटपटा, गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी, भटूरे और कचौड़ी और जो जो याद आ रहा है सबका जायका भी लेते रहो साथ साथ। अच्छा, ये सब बताओ कि ये सब भोजन क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? जो जीभ को अच्छा लगता है क्या वो शरीर के लिए अच्छा है? जीभ को तो अच्छा लग रहा है, मान लिया, लेकिन क्या जब अंदर जाएगा तो शरीर के स्वास्थ्य में चार चांद लगा देगा? और यदि शरीर के स्वास्थ्य को खराब कर देगा तो ऐसा भोजन आपकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, अगर आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है तो आप एक टुकड़ा लो और मुंह में रखो और घुमाओ जीभ में 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड, निगलना नहीं, घुमाना जीभ में 1 मिनट 2 मिनट। अब जीभ क्या कहेगी? हैं? निगलना नहीं, अब जीभ ने उस स्वाद को अच्छी तरह से चख लिया है, अब वो कहेगी और नहीं, थूक दो। फिर आप बाहर थूको या अंदर, एक ही बात है। तो क्या करना है? जो चीज आपको जीभ को बहुत अच्छी लगती है और जीभ बार बार कहती है, मन बार बार कहता है कि नहीं यही खाना है यही खाना है, उसको मुंह में घुमाना, थोड़ी देर घुमाना और फिर आपकी जीभ वहां से हट जाएगी। क्योंकि जीभ के स्वाद को जो अच्छा लगता है वो हम जल्दी जल्दी खाते हैं, जीभ तो तृप्त हुई नहीं थी, इसलिए और की डिमांड जीभ करती रहती है। इसलिए अच्छी तरह से सोच समझकर भोजन करना है, क्योंकि भोजन एक चिकित्सा है, एक इलाज है, एक शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने की एक प्रक्रिया है कि जैसा खाए भोजन वैसा आपका मन होने वाला है। तो आहार में को ध्यान दो और व्यायाम किया करो। अच्छा, कितने लोग हैं इस जहां यहां पर जो योग करते हैं, योगाभ्यास करते हैं? वाह, अच्छा वॉक कितने लोग करते हैं? वाह जी वाह। अच्छा, घर से बाहर वॉक कितने लोग करते हैं? कुछ लोग ड्राइंग रूम में वॉक कर लेते हैं। कपाल भाती करते हैं? वेरी गुड। और क्या क्या करते हैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए? शरीर के स्वास्थ्य के लिए आप क्या क्या करते हैं, कुछ करते हैं या नहीं करते? वेरी नाइस। अच्छा, व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं? सुबह से लग जाते हो या नहीं लग जाते हैं? व्यापार पर फोकस ज्यादा है, जिससे व्यापार हो रहा है उसमें फोकस कम होता है। यदि इसका स्वास्थ्य बढ़ा लिया तो व्यापार आप 60 70 80 90 जितना मर्जी साल तक कर सकते हो,
यदि इसका स्वास्थ्य नहीं बढ़ाया तो एक उम्र के बाद फिर व्यापार में शरीर आपका साथ नहीं देगा। इसलिए व्यायाम बहुत जरूरी है। शरीर को जितना हिलाओगे डुलाओगे शरीर उतना फिट रहेगा। इसको हिलाओ डुलाओ, हम शरीर को बैठा देते हैं और मन को दौड़ा देते हैं। शरीर इसलिए बीमार है कि बैठा ही है और मन इसलिए कि दौड़ ही रहा है। मन को स्थिर करो, मन फिट है, शरीर को हिलाओ डुलाओ शरीर फिट है। इसलिए योग के आसन शरीर को हिलाने डुलाने की प्रक्रिया है। वॉक, स्विमिंग, जो भी एक्सरसाइज है, जितना शरीर को हिलाओ डुलाओगे उतना एनर्जी का फ्लो से प्रकार से होने लगेगा बॉडी के अंदर और सारे अंग चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे। आपको अपना हार्ट भी स्वस्थ रखना है तो मन भी स्वस्थ रखना है, पाचन तंत्र को भी बल देना है। आपका पेट बाहर नहीं आना चाहिए। जब आप गर्दन को नीचे झुकाओ तो आपको आपका पेट दिखना नहीं चाहिए। अभी देखो जरा झुका के, दिख रहा है क्या? यदि दिख रहा है और खड़े होकर तो जरूर, यदि आप खड़े होकर गर्दन को आगे झुकाकर चप्पल देख रहे हो अपनी, तो इसका मतलब है कि पेट अंदर है। और यदि रास्ते में पेट आ गया तो इसका मतलब पेट बाहर है। उस पेट को, उसी पेट से बीमारियां आने वाली हैं। वो शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा आपका पेट बन गया। अब यहीं से बीमारियां आएंगी, डायबिटीज यहीं से आएगी, हार्ट डिजीज यहीं से आएगी, हाई ब्लड प्रेशर यहीं से आएगा, तमाम रोग अब इसी रास्ते से आने वाले हैं, क्योंकि ये शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा हो गया। जो शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होता है वो बिखर जाता है। तो पेट बिखरा है इसलिए बीमारियों का जड़ अब पेट बन गया। इसलिए आपकी फोकस, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो पेट बढ़ा है बढ़ गया कोई बात नहीं, लेकिन अब उसको कम करना है। आपकी कोशिश लगातार अपने पेट को आपकी लंबाई से आधे बनाए रखने की होनी चाहिए। यदि आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच है तो कितने इंच हो गया टोटल? 70, और 70 का आधा कितना हुआ? तो 35 के आसपास आपका पेट होना चाहिए। आप नाप लो, अपनी हाइट से आधा कर लेना। उससे यदि बढ़ रहा है ज्यादा तो मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम पैदा हो रहा है और वहीं से ही रोग आएगा। तो अपने पेट को कम करो, पेट को कम करो, और साथ साथ व्यायाम, कुछ एक्सरसाइज, कुछ हल्के फुल्के अभ्यास जो आप ऑफिस में भी कर सको, दुकान पे कर सको। आप बैठे हो, बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, थोड़ा स्ट्रेच करो शरीर को और उसी समय अपने अंदर हल्कापन ले आओ। जरा करके देखते हैं आज, जरा खड़े हो जाएंगे सब। वो अभ्यास जो आप दिन में कर सकते हैं, पैर को मिलाते हैं, अंगुलियां फंसाएं, हथेलियां पलटें, ताड़ासन करते हैं, पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, पूरे हाथ कमर कंधे खींच रहे हैं, सारे जोड़ खींच रहे हैं, पूरा नर्वस सिस्टम अलर्ट हो रहा है, सारी मांसपेशियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा और खींचे, हाथ थोड़े पीछे, एकदम हंसता हुआ चेहरा है, धीरे से वापस कमर को मोड़ देते हैं पीछे की तरफ। थोड़ा पीछे जाना, गिरना नहीं है, थोड़ी कमर पीछे, हाथ शरीर से थोड़ा दूर खींचे हुए, जितना हाथ खींच के रखेंगे कंधे आपके उतने खुल जाएंगे, छोड़ दीजिएगा। अर्ध चक्रासन इसका नाम, और ये आसन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम सुबह से रात तक जो काम करते हैं गर्दन को आगे झुका के करते हैं, कमर आगे झुका के करते हैं, बैठते हैं तो लोअर बैक पर स्ट्रेन है, मोबाइल में हम आजकल लगातार रहते हैं तो गर्दन आगे झुकी रहती है, नतीजा होता है पूरी रीढ़ की हड्डी आगे की ओर झुकी हुई है, हमारा पोस्चर भी गड़बड़ाया रहता है, कंधे आगे की ओर रहते हैं। जिसकी कमर सीधी है, सिर सीधा है, उसमें उत्साह भरा होता है, और जिसकी कमर झुकी है, गर्दन झुका है, उसमें उत्साह की कमी हो जाएगी। तो अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए यह आसन बहुत अच्छा है। दिन में 2-3 बार जरूर कर लेना चाहिए। कभी कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका पेन, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। एक बार फिर करके देखते हैं, हाथों को पीछे पकड़ लेना, कमर को मोड़ दीजिएगा पीछे की तरफ, सिर पीछे ढीला, हाथ शरीर से थोड़ा दूर खींचे हुए, अब सांस निकालें और थोड़ा आगे झुक जाएं। कमर दर्द किसी को हो, गर्दन दर्द हो तो आगे नहीं झुकना। फिर से उठाओ अपने शरीर को और पीछे जाते हैं कमर को,
अपनी कमर को लचीला बनाओ, थोड़ा कमर पीछे मुड़ी, बहुत अच्छा, और फिर आगे झुको, थोड़ा हाथ उठाओ ऊपर की तरफ, वाह, बस छोड़ दीजिएगा हाथ नीचे, आगे पीछे कमर मोड़कर हमने अपनी कमर को लचीलापन दिया जिससे बॉडी एनर्जी बैलेंस हो जाए। आप बताएं, हमने दो आसन किए, अभी शरीर कैसा लग रहा है? जब बैठे थे तब में और अब में अच्छा। कुछ अंतर आने लगा ना? तो ऐसे ही यदि दिन में दो तीन बार आप अभ्यास कर लें तो एनर्जी बढ़ जाएगी। एक और आसन करते हैं, सांस निकालें और झुक जाएं लेफ्ट साइड में, हाथ सीधे, कोहनियां सीधे, एल्बो शुड बी स्ट्रेट, थोड़ा और झुककर मुस्कुराओ, धीरे से वापस आते हैं, हाथ थोड़े पीछे, अब राइट साइड में, धीरे से वापस, एक बार फिर जाते हैं लेफ्ट साइड में, पूरा जाएं, ना करने के बहाने मन ढूंढ ही लेता है, अजीब तो खा पी लिया आप क्यों करें, और सुबह किया नहीं है, जब खाली होते तब करते नहीं, एक बार फिर से राइट साइड में, पूरा झुके, आंखें बंद करें और मन में भाव कि मेरी कमर पतली हो रही है, बस। यदि किसी को गर्दन दर्द रहता है तो आप दो अभ्यास जरूर किया करें, एक बजरा हाथों को फूल जैसा बनाएं, अंगुलियां पूरी फैली हुई, सांस बढ़ते और हाथ को उठाएंगे ऊपर, खींचो, फैलाओ ऊपर की तरफ, और थोड़ा हाथ और हाथ उठाओ, कोहनियां सीधी, हंसता हुआ चेहरा, धीरे से वापस, एक बार फिर से सांस भरकर उठाएं, सांस नॉर्मल, और खींचो हाथ को, कलाइयां मिली हैं, उंगलियां फैली हैं, हाथ जितने खींचेंगे कंधा जाम नहीं होगा, गर्दन दर्द पे आराम आएगा, धीरे से वापस। एक और अभ्यास करते हैं, हाथ जरा हाथों को साइड में फैलाओ और उंगलियां मिलाकर उंगलियों को अपनी तरफ खींचना, खींचो ऐसे, पूरा खींचाओ, हाथों पर आएगा, इससे वजन भी कम होगा, गर्दन घुमाना ऐसे, लेगा मना कर रहे हैं, गर्दन घुमाएं, हाँ, लेफ्ट राइट, अच्छा बीच में रोके जरा कान, और फिर से जरा आधा चक्र, पीछे से पीछे, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, फिर से लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। तो आप महावीर आसन करके अपने शरीर में ऊर्जा भर सकते हैं, महावीर मतलब हनुमान जी से लिया गया है। इसमें क्या करते हैं, एक पैर को आगे निकाल लेते हैं, ऐसे घुटना मोड़ लेते हैं, एक हाथ को आगे नहीं झुकना है, घुटना मोड़ना, एक हाथ आगे खींचा, एक हाथ पीछे खींचा, और थोड़ा मुस्कुराओ, खींचो खींचो खींचो, बस। अब जरा पैर बदल लो अपने, पीछे वाला पैर आगे, आगे वाला पैर पीछे, छोड़ते हैं, यह है वीर आसन। महावीर आसन में बिल्कुल ऐसे ही, एक पैर आगे निकाला, जैसे हनुमान जी का पोज देखा है ना आपने, कि पर्वत को उठाया हुआ है हाथों पर, एक पैर आगे निकाला, घुटना पूरा मोड़ा और हाथ सामने, चेहरे की रिंकल्स कभी नहीं आएंगे, बहुत ही अच्छा, कंधे हमेशा पीछे की तरफ रहेंगे, छाती का विकास होगा, कंधे मजबूत होंगे, पीठ मजबूत होगी, थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग देगा, इस स्ट्रेंथ देगा, तो घुटने का दर्द नहीं आएगा, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, उत्साह उमंग, जो डिप्रेस रहते हैं, नेगेटिव थॉट जिनके अंदर बहुत ज्यादा रहते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। एक पैर आगे निकाला, घुटना मोड़ा, हाथ सामने, और सांस भरा, गालों को फुलाया, हाथ को पीछे खींचा, सिर थोड़ा उठाया, आंखें खुली हुई, सिर उठा हुआ, हाथ खींचे हुए, पूरे कंधे फैल गए, हंसता हुआ चेहरा, गालों को फुलाए, पूरा हनुमान की तरह एकदम आकृति, एकदम छाती फैली हुई, हाथ खींचे हुए, गाल फूले हुए, उत्साह का भाव हमारे अंदर है, महावीर। छोड़ देते हैं, बैठ जाएंगे प्लीज। सब कुछ हमारे ही अंदर निहित है, बस जरूरत है अपने आप को एकाग्र करने की, फोकस करने की। हमारा मन बहुत बिखरा होता है, हमारा शरीर जहां होता है मन कहीं और होता है, जहां तन है मन कहीं और है। इस मन को जितना फोकस करेंगे, इसलिए योग में ध्यान की बात है। अभी हम बस, हाँ, अभी हम 5 मिनट के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। आराम से बैठ जाएं, एक 3 मिनट का पावरफुल मेडिटेशन, शांतम क्रिया। पहले मिनट में लंबा गहरा सांस भरेंगे और निकालेंगे,
छह से आठ बार ये अभ्यास अपने मन को पूरी तरह से श्वास पर रखते हुए करेंगे। दूसरे मिनट में पूरा श्वास भरेंगे और जब श्वास निकालेंगे तो भंवरे जैसी गूंज करेंगे, भ्रमर गूंज होगा इस प्रकार। ये भी छह से आठ बार करेंगे, मन को इस गूंज पर लगाएंगे और इस गूंज को मधुर से मधुर, मीठे से मीठा बनाने की कोशिश करेंगे। तीसरे मिनट में अपने श्वास को नॉर्मल करेंगे और आती जाती श्वास को महसूस करें, महसूस करें कि कब श्वास आई और कब गई, और महसूस करें कि श्वास के आने और जाने के साथ क्या कोई ध्वनि, कोई मंत्र, कोई आवाज हो रही है। तो आप पाएंगे श्वास भरने के साथ सो और निकालते हुए हम, सो हम का जाप हर श्वास के साथ 24 घंटे में 21,600 बार होता रहता है। इसको अजपा जाप कहते हैं, अजपा गायत्री कहते हैं। तीसरे मिनट में अपने ध्यान को अपने श्वास पर लाकर इस मंत्र को जो हो रहा है, करना नहीं है, अनुभव करेंगे। तो बैठ जाएं आराम से, दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर, हथेलियों को ऊपर की तरफ रख लें, हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ है। कंफर्टेबल होकर, कमर सीधी है, गर्दन सीधी है, शरीर को तानना नहीं लेकिन सीधा रखना है। आंखों को बंद कर लें और अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आएं, शरीर को महसूस करें कि वो आराम से बैठा है, स्वस्थ है, हल्का है। अपने मन से अपने शरीर के स्वास्थ्य को ऐसा भाव डालें कि वो बेहतर है। ध्यान को सांसों पर ले आएं और महसूस करें आते जाते सांस को। पहला मिनट लंबा गहरा सांस भरें और निकालें। धीरे धीरे पूरा सांस भरते हैं और निकालें। लंबा सांस भरें और निकालें। मन को सांस पर लगाए रखें और पूरा सांस भरते जाएं, निकालते जाएं। आपका ध्यान आपके श्वास से न हटे। भरने और निकालने को पूरी तरह से फोकस करें। दूसरा मिनट पूरा सांस भरें, निकालें तो भंवरे जैसी गूंज। आंखें बंद रहेंगी और ध्यान इस गूंज पर। फिर से सांस भरें, फिर से सांस भर लें। ध्यान को इस गूंज से हटने न दें और इस गूंज को मधुर से मधुर बनाते जाएं, जो हमारे मन को साथ देगा।
एक बार और श्वास पूरा भरें, शांत भाव से बैठकर तीसरे मिनट में आते जाते श्वास को महसूस कीजिए। भीतर जाता हुआ श्वास सो और निकलता हुआ श्वास हम सो हम सो हम। मन को बहुत बारीकी से श्वास पर लगाए रखें और इस अजपा गायत्री को अनुभव करती रही। सो हम सो हम। मन भागेगा लेकिन आप उसको उस जाप पर ले आना। सो वो परम पिता परमात्मा हम मैं ही हूं। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्म तत्व हूं। उसी को अनुभव किया जा रहा है। सांस श्वास में बहता हुआ जीवन अनुभव करें। सांस है तो जीवन है, यही हमारी पूंजी है। इसी श्वास में स्वास्थ्य बंधन और मुक्ति छिपी है। वासना और संस्कार भी इसी श्वास में है। इसी को अनुभव करें। श्वासों को शुद्ध किया जा रहा है, प्राणों को शुद्ध किया जा रहा है। आहिस्ता से आंखें बंदी रखना, हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ लें, घर्षण करें, रब करें, गर्म कर लें, ऊर्जा का संचार हाथों में बहने लगे। आंखों के ऊपर रख लीजिएगा, ढक लीजिए अपनी आंखों को, दबाना नहीं, मलना नहीं, बस ढक के रखें कुछ देर के लिए। हथेलियां हटा लें, आंखें खोलते हैं। अभी कैसा लग रहा है? मन शांत हो गया ना? अच्छा, दिन में 8-10 बार ठाके लगाकर जरूर हंसा करो भाई। जैसे 10 गिलास पानी पीते हैं, ऐसे 10 बार ठाके लगाकर हंसना है। तो आज यहां पर उसका उद्घोष कर देते हैं। देखो, हंसी 6 प्रकार की होती है। पहली मन मन में प्रसन्नता, दूसरी होठों पर मुस्कुराहट, तीसरी होठ थोड़े खिले हैं, पहली 3 हंसी में कोई आवाज नहीं, चौथी हंसी में मुंह बंद करके ऐसे हंसते हैं, 5वीं हंसी में मुंह खोल कर थोड़ा थोड़ा हंसते हैं, और 6वीं हंसी में ठहाके लगाकर हंसेंगे, खिलखिलाकर हंसेंगे। तो सब आंखें बंद करके आराम से अपने आप को अनुभव करें कि मैं प्रसन्न हूं, उत्साही हूं, उमंगी हूं, उल्लासी हूं, स्फूर्तिवान, प्राणवान, तेजवान, ओजवान, बलवान हूं मैं।
सब शक्तियां सिद्धियां मेरे भीतर निहित हैं। इस प्रसन्नता को अनुभव करें, दूसरी हंसी आंखों को खोलें, आंखों में मुस्कुराहट होते ऊपर मुस्कुराहट, तीसरी हंसी होठे होठ को थोड़ा खोल लें, चौथी हंसी में मुंह बंद करेंगे और हंसेंगे दांत नहीं दिखेंगे और जोर जोर से हंसेंगे, नहीं केवल टीम नहीं हंसेगी, सब हंसेंगे जी हर बार थोड़ा हंसी को बढ़ाते जाओ थोड़ा और जोर से चलो मुंह खोलते हैं हर बार स्पीड बढ़ाते जाइए और जोर से पूरा ठहा के लगा के हाथ मस्ती के पूरा खिलखिलाते हुए ठहा के लगाते हुए एक प्रसन्नता का संचार पूरे शरीर में रोम रोम में हो रहा है। मैं चाहूंगा सब खड़े हो जाएं और आपके जीवन में जिन लोगों ने आज तक सहयोग दिया है, जो आपके गुरु रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, माता पिता, भाई बहन, संबंध मित्रगण, जो जो भी हमें यहां तक पहुंचाने में सहयोगी हुए हैं, भले वो छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, उन सब का अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, आंख बंद करके उनको याद करेंगे और तालियों से उनका आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया है। आंखें बंद करके और जोरदार तालियां उनको सम्मान के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए जो जो भी व्यक्ति मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में आगे बढ़कर आए हैं और मुझे यहां तक पहुंचाया है, उन सबका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और मैं चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर लगातार बरसता रहे, होता रहे, लगातार बहता रहे, मेरे अंदर कभी अहंकार का भाव प्रकट ना हो, बस श्रद्धा प्रेम और सौहार्द का भाव जगा रहे। ये तालियां उनके लिए हैं जो आपको आपके निर्माण में सहयोगी हुए हैं। एक एक करके उनको याद किया जा रहा है, जो जो भी याद आ रहा है उनका चित्र मन में रखते हुए उनको सम्मान दें, उनको आभार दें, उनको कृतज्ञता ज्ञापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तालियां जितनी बजे उतनी कम हैं, लगातार बजे उतनी कम हैं जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस आपके जीवन का अभिन्न अंग बने, हिस्सा बने और आप लगातार खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।